अरे मनी आज सुबह 12 बजे से वाटर्स प्रोजेक्ट वाटर्स के मेंटेनेंस के जीएचएमसी के और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों के साथ जो है कारवार के जहां पर भी जोन 3 सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, चाहे वकी पेट का इलाका हो या टोली चौकी हो या MD लाइन गोलकुंडा विशाला बाजार रेशम बाग अट्ठारह सीढ़ी छोटा बाजार गोलकुंडा बड़ा बाजार गोलकुंडा सारनगर धान कोटा बोदा थाली कंपनी बाग अहमद थाली पेंशनपुरा हरिदासपुरा और विनायक नगर कालिदासपुरा और लंगर अलफतेह मस्जिद कारवान महबूब वाली इलाका और बांझवाड़ी मराठी बस्ती इन तमाम इलाकाजात का अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जिसकी वजह यह है कि आने वाला एक महीना या 1.5 महीने के अंदर रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और यह सीवरेज जोन 3 का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पर बड़े बड़े मेन रोड्स जाम हैं और इसी MD साहब से बात कर आज इनके तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया और कई जगह पर कृष्णा वाटर लाइन या गोदावरी की जो लाइन है मांझरा सिमुर की, जिसकी वजह से भी कई जगह पर काम रुका हुआ था। इन तमाम तफसीलात बताने के बाद MD साहब ने आज यहाँ पर अहदेदारों के साथ में इनके दौरा कर तफसीलात बताया गया और कई जगह पर जल्द से जल्द काम करने के लिए बताया गया और उसी तरीके से हालिया में 1 महीना कबल MD वाटर से नुमाइंदगी कर जो वाटर लाइन ख़ास तौर से जहां पर पोल्यूशन के शिकायत थी हल्के कारवान में मुख्तलिफ इलाके जात के अंदर, चाहे वो गोलकुंडा खाजी गली या गोलकुंडा रेशम बाग या गोलकुंडा उस्मानिया मस्जिद धान कोटा सारनगर और लंगर हाउस के जहां पर मेरे SC भाई लोग रहते हैं, प्रशांत नगर अंबेडकर नगर लक्ष्मी नगर हरिदासपुरा कालिदासपुरा विवेक नगर मंदुला बस्ती और कारवान के अंदर मराठी बस्ती बांझवाड़ी और उसी तरीके से कारवान सौ के इलाके में करीब करीब 3 करोड़ की लागत से वाटर लाइन्स का मंजूरी अमल में है, वो टेंडर हो चुका है। जहाँ भी वाटर लाइन सेक्शन है तमाम इलाके जात के अंदर इनाग्रेशन करेंगे और इंशाल्लाह तमाम कामों को मुकम्मल करेगा और कई जगह पर आज के दौरे के अंदर कई जगह पर शिकायत थी पोल्यूशन की और GM से और उनके अहदेदारों को बताएंगे इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी मंजूर कराकर चाहे कोसी भी बस्ती रख वहाँ पर पोल्यूशन की शिकायत खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जितने भी आज दौरा करें इन इलाके जात के अंदर इंशाल्लाह उन्होंने तयकुन दिया कि जल्द से जल्द तमाम कामों को रमजान से पहले करने का तयकुन दिया गया। मैं इस मीडिया में आज के दौरे के अंदर वाटर के अहदेदार और वाटर प्रोजेक्ट के अहदेदार इलेक्ट्रिसिटी के और GHC के अहदेदार और नानगर कॉर्पोरेटर लंगर हाउस कॉर्पोरेटर गोली चौकी कारवान गोलकुंडा इन तमाम कॉर्पोरेटर के साथ तफसीली दौरा किया गया, साथ में जमात के एक्टिव वर्कर सीनियर मोतमदिन सदर इन तमाम के साथ दौरा करे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर करीब में इंशाल्लाह कारवान में कई करोड़ रुपए की लागत से काम बाकी है, इंशाल्लाह उन तमाम कामों को भी नागरिक किया जाएगा। आज के दौरे के अंदर पूरे वो आप इस तरह के साथ तफसीली दौरा करें, इंशाल्लाह मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने कारवान में आपके जो भी बस्ती के अंदर जो मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरे कारपेंटर्स को या सदर मोहतमंदी को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल पर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।